राम। नमा गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमा परिभ्या परपादुकाभ्या आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। गोस्पदी कृतबारी सम्मत्स की कृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपी समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। डले रहो दरबार में धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आपौ धनी हो जाओ। बोलो रामचंद्र भगवान की। कामखेड़ा वाले श्री बालाजी महाराज की, पंचमुखी श्री हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, नलखेड़ा वाली माँ त्रिपुर सुंदरी मैया की, दतिया वाली बगलामुखी माता की, सब संतन की, भगवती माँ जालपा माई की, श्रीनाथ जी भगवान की, राजगढ़ खिलचीपुर के पागलों की, साधु संत जनों की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, कथा यजमान परिवार की। नमः पार्वती पतये हर हर। साधु जी, ओ साधु जी, अच्छा बताओ कैसे हो? बढ़िया हो? कल कथा भी शुरू करवाई, खूब पानी भी गिरवाओ, बहुत होशियार हो हैं? लेकिन खूब आनंद आया कल। अच्छा कथा का पगला कौन कौन है? बाबा फिर दरबार में क्यों बैठी? कथा के ही पगला है। तो मैं से एक बात बताएं, बैठे तो तुम इसलिए हो कि पर्चा कब बनेगा। अब बहाने चाय जितने मार लो, जैसे कई लोग होते ना उनसे कहो भाई चाय पी लो, नहीं नहीं हमें नहीं पीना पेट खराब हो जाता है। लेकिन फिर बात, अरे भाई पी लो, हाँ तो ठीक है भाई, अब जब नहीं मान रहे तो ले आओ। ऐसे ही आपका है कि पूछो कि भाई कथा के पागल हो तो कह नहीं पड़ेगा हो है, पर असलियत में तो गुरु जी प्रवचन बंद करो, ये बताओ हमारे बाप का नाम क्या है। लेकिन सच बताएं, आहा, खिलचीपुर राजगढ़ भी बड़ा अद्भुत है, ये भी भक्ति का क्षेत्र है, और आज ऐसा लग रहा कि सब भक्ति के रस में डूबकर राममय हो गए हों। आज का दरबार बालाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान बागेश्वर बालाजी की दिव्य उपस्थिति का, उनके होने का आभास, मानव कलयुग में बढ़ते हुए दुराचार पापाचार अधर्म और सनातन विरोधियों के आतताइयों के लिए ही बागेश्वर बालाजी ने आज से 320 वर्ष पहले सिद्ध संत श्री सन्यासी बाबा की तपस्या पर प्रसन्न होकर जो दर्शन दिया, हमारे वंश के शुक्ल वंशीय गर्ग गोत्रीय आचार्य विप्र के वंश में एक ऐसी विभूति हुई श्री सन्यासी बाबा, जो आज से 321 साल पूर्व में छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में ही निवासरत थे, और किसी कारणवश उन्होंने हट पूर्वक दिव्य संकल्प लिया 125 करोड़ हनुमान चालीसा का। और हमारे गुरुदेव कहते थे कि उन्होंने एक
पैर के ऊपर खड़े होकर 125 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ को पूर्ण किया, जिसके परिणाम स्वरूप फल स्वरूप बालाजी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, जाओ आज के बाद तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहां सेवा में रहेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि जो भी बागेश्वर धाम के दरबार में आएगा वो रोता हुआ हंसता हुआ जाएगा। और फिर क्या, उन पर भगवत कृपा हुई, बालाजी की दरबार प्रारंभ हुआ। उसके बाद हमारे दादा गुरुजी का प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने 40 साल तक दरबार लगाया। सन 2009 में इस नालायक को मूर्ख को सेवा में बैठार गए, और उसके बाद में ये नालायक उन बागेश्वर बालाजी के चरणों की चाकरी कर रहा है। और वर्तमान समय में देखते हुए हमें यही प्रतीत होता है कि सन्यासी बाबा को दिखाई पड़ रहा था कि आने वाले समय में कोई भगवान को नहीं मानेगा, संतों का अपमान करेगा, संतों को पाखंडी कहेगा, ब्राह्मणों की पूजा पाठ को झूठ और पाखंड बतलाएगा। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही दिव्य शक्तियों का दिव्य दरबार श्री बागेश्वर बालाजी का लगता है, जिसमें आज वर्तमान में भारत के कोने कोने में तो हम जाहिर है, और भारत की छोड़ो विदेशी धरती जो अंग्रेज दिन रात हाउ आर यू कर रहे हैं, वह अंग्रेज भी वर्तमान में सीताराम जप रहे हैं। और पुनः उन अंग्रेजों को ठिकाने लगाने और ठटरी बारने, हम 20 जुलाई को यूके जा रहे हैं और फिर से सनातन धर्म के झंडा को लेकर जाकर वहां भगवान की कथा भी सुनाएंगे और उनके मस्तक पर तिलक लगाकर सीताराम भी उनसे कहलवाएंगे। यह कलयुग में प्रत्यक्ष महिमा श्री बागेश्वर बालाजी की है। ऐसे बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में आपका पर्चा आपको प्राप्त होवे, मन की बात आपको पता लगे या ना लगे, ये तो सब बहाना है, कौतुक है, खेल। पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, न पर्चा से काम होना है। देखो, पुस्तक आपको उस तक नहीं पहुंचा सकती, पुस्तक आपको उस तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन पुस्तक उस तक पहुंचने का रास्ता बता सकती है। पुस्तक आपको उस तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता बता सकती है। उसी प्रकार हमारा पर्चा आपका काम सफल नहीं कर सकता, लेकिन काम सफल होने का रास्ता दिखा सकता है। और वर्तमान में यही एक पढ़े लिखे लोगों के लिए जो बुद्धिमान हैं, तार्किक हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, एवं जो मानते हैं कि भगवान नहीं होते, ये सब कपोल कल्पना झूठी मिथ्या बनाई हुई बातें हैं, कोई दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा ही बागेश्वर बालाजी के दरबार में लगाया जाता है। ये तो उनके लिए हो गया। अब बाकी भक्तों के लिए, भक्तों के लिए यह है कि हमें और आपको बालाजी दिखाई नहीं पड़ते, सन्यासी बाबा दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन हर दरबार में सन्यासी बाबा होते हैं, उन्हीं की प्रेरणा से पर्चा लिखते हैं और वो सबकी मन की बातों को जानते हैं, और बिना पर्चा बने ही उनके घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाती है। तो जितने भी लोग तीनों पंडालों में बैठे, बाहर रोड पर कुछ लोग कचौड़ी खा रहे थे, हमने देखा कुछ लोग समोसा के मस्कराए दे रहे, समोसा गटर गटर, बहुत अच्छा है, खाना चाहिए। जो जहां खड़े हैं, बैठे हैं, जिस भाव में हैं, हम अपने आराध्य इस कलयुग के राजा, जिनके प्रताप से हम सर्वत्र जाकर धर्म विरोधियों को ललकारते रहते हैं, ऐसे हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि जाओ आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, आप सबकी अलाय बलाय दूर भग जावे।
और आप सभी के ऊपर आज से ही जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। दरबार के बारे में तो सबको पता ही है, अपना नाम परिचय किसी को भी दरबार प्रांगण में नहीं बताना है। आप हमें जिनकी प्रेरणा लगेगी हम बुलाएंगे, आपको आकर बैठना है। पढ़े लिखों को अंधविश्वास में नहीं पढ़ना, परिचय को ध्यान पूर्वक पढ़ना, आपने क्या पूछा, हमारे परिचय में क्या लिखकर आया है। लेकिन आपकी क्षमता नहीं है कि आप हमारे परिचय के बाहर पूछो, ये हनुमान जी की कृपा है। हमारा कोई प्रताप नहीं, ये हमारे गुरुदेव की कृपा है कि ये आपकी क्षमता नहीं है कि आप परिचय के बाहर पूछो। अगर आप गालियां पूछोगे कि हमको अमुक गाली चाहिए, तो वो तुम्हारे परिचय में दो एक्स्ट्रा प्राप्त आपको होंगी और आपके बोलने के पहले होंगी। यही कलयुग में एक अद्भुतता का विषय है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यही बागेश्वर हनुमान जी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरी बात, केवल कहा नहीं जाता है, हमारा निज अनुभव है। 11 साल से तो हम बैठ रहे, 40 साल दादाजी को हो गया और सन्यासी बाबा को हो गया। संतों के चरणों के प्रताप से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, गुरुदेव भगवान की करुण कृपा और बालाजी की दी हुई सिद्धि के भाव से आज तक इस गद्दी से जो वचन निकले, हनुमान जी ने उसको कृपा करके अवश्य पूर्ण किया है। जाओ, तुमसे भी, आप सबसे भी हम कहते हैं कि आज से अब तुम्हें दर दर नहीं भटकना है, 10 जगहों पर नहीं भटकना है। आज के बाद या तो राजगढ़ खिलचीपुर के पागलों तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। अच्छा एक बात बताओ, एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का, बोलो। अरे भाई जोर से बोलो, प्रत्येक का कि एक का? प्रत्येक का। कौन कौन प्रत्येक का चाहता है, हाथ उठाओ। अच्छा आप प्रत्येक का चाहते हो, सुनो तीन उपाय हैं, पूछो। क्या पूछो, जोर से पूछो यार, तुम लोग बहुत बदमाश हो। पहला सुनो, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना है। दूसरा उपाय, कभी बागेश्वर धाम जाना ना जा पाओ तो घर पे जाना, लाल रंग का कपड़ा लेना, नारियल बांध लेना और जाकर के सन्यासी बाबा को प्रणाम कह के कर देना कि जाओ प्रभु, अब बहुत भटक लिया, बहुत परेशान हो लिया, बहुत हंसी उड़वा ली, अब बहुत निराश हो लिए, अब हमारी सामर्थ्यता नहीं जगह जगह जाने की, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद होगा क्या ये भी पूछो, जब जब विपत्ति आएगी बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बोलो जय सियाराम, साधु जी। तीसरा समाधान यह है कि आप पर्चा के चक्कर, चमत्कार के चक्कर में मत पड़ो। पर्चा तो बहाना है, असलियत में हमें भारत के लोगों को हनुमान जी का बनाना है। फिर लोग पूछेंगे कि आप दरबार क्यों लगाते, हम दरबार, और फिर लोग कहेंगे दरबार लगाते, माइक लगाते, टीवी लगाते, ये इतना झंझा भंजा करने की क्या हो सकता है, ढोल कपोल। बात सही है, उत्तर भी सुनो, जब तक हम लगाएंगे नहीं, आपको बुलाएंगे नहीं, तब तक आप हनुमान जी की महिमा को कैसे जान पाएंगे। तो दरबार बहाना है, और तुम्हें भारत के जितने भी तथाकथित लोग हुए आज तक, उन्होंने तुम्हें भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, बिछड़ी पिछड़ी बातें, वही झूठा डर, वही झूठे उपाय, आज तक तुम्हें तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं। लेकिन हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ाएंगे। भगवान का मतलब सकारात्मकता, भगवान का मतलब नित नई ऊर्जा। इसलिए आप मन में राम नाम का जप करो, जो जहां बैठे हैं, दरबार के बाद सबकी सामूहिक अर्जी लगेगी, चाहे वो कहीं भी खड़ा हो। बस यही है कि झंझट नहीं करना है कि तुम उठा पटक करो। अब देखो भाई, व्यवस्था तो उतनी है नहीं, अब जितनी होनी चाहिए थी उतनी की गई,
तीन पंडाल लगाए बड़े बड़े, एक बड़ा वाला, फिर दो अगल में बगल में, फिर ग्राउंड बड़ा किया, बैरिकेटिंग की, और शासन प्रशासन भी दिन्ना रात लगा हुआ है। एक बार उनको भी ताली बजाकर धन्यवाद जरूर दीजिएगा। और तिवारी जी भी दिन भर लगे, अंशुल तो रात भर सोई नहीं, गैती फावड़ा लेकर के वैसे ही खेती सी करते रहे, क्योंकि इंद्र देवता बरसते रहे। तो सब लोग लगे हैं, अब उसके बाद भी पागल ही पागल आ गए तो करें क्या है? लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। तो आज का दरबार हम हनुमान जी के चरणों में, बालाजी के चरणों में प्रारंभ करते। मन ही मन सीताराम नाम जपो, जिन्हें बुलाएं वो आओ। पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास में, और एक बात रह गई जो बता दें, आप वही पूछना जो तुम सुन पाओ, कि फिर बाद में कहो कि हमारी न्यूज बन गई या पोल खुल गई, पर ठटरी भर जे है। ये हम आपको पहले बता देते हैं, क्योंकि हमारे वाई फाई में सिग्नल हर प्रकार से रहते हैं, और हमारा वाई फाई में एक बार कनेक्शन होने के बाद हमारा सब कुछ बदल जाता है, सिस्टम हमारे दूसरी तरफ हो जाते हैं। तो फिर हम नहीं बोलते हैं, बोलने वाला बोलता है, हम तो फंसते हैं। तो ये हम आपको डिस्क्लेमर बता रहे हैं कि पूछना वही जो तुम सुन पाओ। दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जिसके करिया कांड हो ना, और यही हमारी जीत हुई है भारत में, हनुमान जी की जीत भी यही हुई है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, खुद खुलवा कर चले गए। और क्या भारतीय क्या देसी, बीच में तो एक विदेशी आया था, बोले गुरु जी हमें तुम्हारा ब्रेन देखना है। हमका हमारे माइंड में क्या है? बोले हमें देखना है। एक मशीन लाया, वो सिर पे रख दी, बोले देखना है कि ये तुम्हें पता कैसे चलता है। बाद में वो मशीन खटर पटर करने लगी ऐसे सूजा से। अरे हमने कहा कहीं ऐसा ना हो ब्रेन खुल जाए और फिर बाद में लॉक ना हो पाए। हमने मशीन उतारी, हमने कहा भैया ले जा, क्या पता तुमने नटबोल्ट खोल दिए फिर कनेक्शन ठीक ना कर पाए, कहीं उल्टे कर दिए, आफत हो जाएगी। जब मशीन ले जा, हमें नहीं करवाना चेक है। तो ये वर्तमान में पूरी दुनिया में हनुमान जी और सन्यासी बाबा का अनुभव अद्भुतता का विषय। तो ये आपको हमने डिस्क्लेमर दे दिया कि तुम बाद में कहो बताया नहीं, आप वही पूछो। देखो और लेने देना क्या, समस्या का समाधान लो, पांव परो निकल जाओ। अब तुमने ज्यादा लुकर लुकर किया तो फिर बुरा मत मानना। हमारा मानना है, और मानना क्या, अपने गुरु पर हमें इतना भरोसा है, और भारत में रहने वाले बागेश्वर धाम के भक्तों को भी इतना भरोसा करना चाहिए। हम भरोसे के साथ हनुमान जी के चरणों में कहते हैं कि दुनिया की वर्तमान में सनातन धर्म की शक्तियों को छोड़कर जितने भी ये हली उल्लाह वाले हैं, इनकी क्षमता नहीं है दरबार का सामना करने की। हाँ, ये दुनिया के जितने भी करंट लगाने वाले हैं, इनकी क्षमता नहीं है बागेश्वर धाम का सामना करने की शक्तियों की। अगर वो हमारे सामने आ जाए तो हम पेंट गीला करके इनको भेजेंगे। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हम कहते हैं। देखो भाई, और तो हमारे पास बल नहीं है कि कोई कहे कि तुम भाई हम बॉडी बिल्डर हो तो हम लड़ नहीं सकते हैं हम तो। लेकिन जो हम पर गुरु की कृपा है उसके बल पर बता सकते हैं कि नहीं, ऐसी कोई गली नहीं जिसमें हमारे बजरंग बली की चली नहीं। ये तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई गली नहीं जहां हमारे मन। तो ये उनके लिए डिस्क्लेमर है जिनके मन में खुरा पाते हैं। जय सियाराम। लो गुरु जी आओ, अब दरबार शुरू करो, लेट मत करो, क्योंकि कथा भी है। अच्छा तुम लोग बदमाशी मत करना कि तुम कथा में आओ ना, दरबार को पर्चा लो खिसक जाओ, ऐसी बदमाशी मत करना। कथा भी है शाम 4 बजे से, और कल भी कथा है शाम 4 बजे से, 4 ही बजे से। और फिर इसके बाद में 1 जुलाई से 5 जुलाई तक हम बागेश्वर धाम पर रहेंगे, वहां गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। और हमारी कोई महिमा नहीं है, महिमा किसकी है? बागेश्वर धाम की। आप उनसे जुड़ो, हम मिले या ना मिले, आपकी हमसे मुलाकात हो या ना हो, पर्चा बने या ना बने, जिनके कारण हमारे पास ये कृपा है, आप उनसे जुड़ जाओ, 21 पेशी करो, जाओ। हम तुम्हें वचन देकर कहते हैं, काम सफल होकर रहेगा।